ओवैसी साहब हमारे साथ हैं सर, कांवरियों को थोड़ी बहुत सहूलियत मिल रही है तो आपके ट्वीट में दिखा कि आपको ना ना हम अरे और सहूलत दीजिए भाई, अगर आप उनको पुलिस ऑफिसर पैरों की मसाज कर रहा है तो बहुत अच्छा है, बल्कि हम तो कहेंगे कि डीप टिश्यू मसाज दीजिए उनको आप, हमको इतराज नहीं है उस पर। आप भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, करिए। आपने एक लोहार की दुकान को बंद करवा दिया, मीरठ में मुस्लिम पुलिस ऑफिसर का नाम पुलिस स्टेशन से निकलवा दिया, गोश्त की दुकानों को बंद कर, बहुत अच्छा है। हम ये कह रहे हैं कि हमको भी तो रहम करिए, हम भी तो इस देश के हम वतन हैं, हम कोई मार्स से नहीं आए हैं ना। जब आज़ादी के 75 साल हम मना रहे हैं तो इस देश की आज़ादी में हमारा भी खून बहा है। हम ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि इक्वली ट्रीट करिए। अगर आप ऊपर से फूल बरसा रहे हैं तो हमारे घर को मत तोड़िए, अगर आप उनके पैरों की मसाज कर रहे हैं करिए, बहुत अच्छा है। मगर आप किसी मुसलमान लड़के को सहारनपुर में पुलिस स्टेशन ले जाकर आप उसको मारपीट करते हैं। दो तीन दिन पहले आपने रामपुर के पुलिस स्टेशन में एक नौजवान को उसके बाप को मारकर, उसके बेटे को मारकर उसका पैर तोड़ दिया। इक्वल ट्रीटमेंट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। संविधान में डिस्क्रिमिनेशन करने की इजाजत नहीं है। और कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो इसमें कौन सा आसमान गिर रहा है क्या? अगर आप पब्लिक पार्क्स में जाइए क्या वहां पर आपको रिलीजन नजर नहीं आता? आप किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में लिफ्ट में जाइए आपको रिलीजन नजर नहीं आता? भारत में एक मल्टी कल्चरल कंट्री है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है और सबको मानना पड़ेगा। सर तो लुलू मॉल में जो नमाज पढ़ने की घटना थी और जो कार्रवाई हुई उससे आपको कष्ट है? ना ना, हम तो जानना चाह रहे कि लुलू मॉल में जिन लोगों ने नमाज पढ़ी वो किबला कैसा चेंज करके कौन से खुदा की इबादत कर रहे थे, वो किबला किस तरफ था हमको नहीं मालूम। और 18 सेकंड में नमाज पढ़ते, हम भी नमाज थोड़ा पढ़ लेते हैं मगर 18 सेकंड में नमाज पढ़ ली। अच्छा, अगर प्राइवेट जगह पर अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो क्रिमिनल केस नहीं बुक होता, सिविल लायबिलिटी आती है आप पर, आप 295 नहीं लगा सकते। मगर उन्होंने 18 सेकंड नमाज पढ़ी, भाई साहब ये तो 5G की नमाज पढ़ ली उन्होंने, समझ में नहीं आया कौन थे लोग। आखिरी सवाल है, बीजेपी कहती है कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं और फिर इसलिए हम जो राजनीति करते हैं वो इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए, बराबरी मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को समझना चाहिए कि आप संविधान के तहत सरकार चलाते हैं और उत्तर प्रदेश और भारत का कोई रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, सबका मजहब है। आपकी भावना है तो दूसरों की भावना भी, अगर आपकी आस्था दूसरों की भी आस्था, अगर आप एक से इक्वली ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वैसा ही हम सभी ट्रीट करिए, उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? यही तो मैं कह रहा हूं ना।